हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने काफ़ी सिरप पर वीडियो बनाई है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सच्ची सहेली वर्सेस हिमालय इफ केयर सिरप पर रिव्यू बनाइए। इनमें क्या क्या डिफरेंट है, इनके बारे में डिटेल से बताइए। किस एज से इसे स्टार्ट करते हैं, कब तक इसे स्टार्ट रखना चाहिए, साथ ही इसको लेते टाइम क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में फुली डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सच्ची सहेली सिरप के बारे में। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बता देती हूँ। यह सच्ची सहेली महिलाओं की ली जाने वाली सिरप है। पीरियड्स के दौरान बहुत सी वुमेन्स में पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, थकान होती है, कमजोरी रहती है, अनिद्रा की स्थिति रहती है, और यही सेम प्रॉब्लम हमारे नॉर्मल डेज में भी रहती है। हम जरा सा काम करते हैं, हम थक जाते हैं, हमें थकान रहने लग जाती है। अगर यही सब प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो उन्हीं के लिए इस सिरप को लिया जाता है। और इस सिरप की जो प्राइस है वो 215 रुपीस इसकी प्राइस है, और ये दिविसा द्वारा मार्केट में लॉन्च होती है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें अशोक है, चित्रमूल है, देशमूल है, मुनक्का है, अश्वगंधा, हरित की, कृष्ण लोधा, मुस्तका, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर इस सिरप को बनाई गई है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसे कैसे लेते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आपको दिन में दो बार खाना खाने के बाद लेना है, मॉर्निंग में जब भी आप खाना खा लेती हैं और नाइट में जब भी आप इसे खाना खा लेती हैं, उसके बाद में इस सिरप को लेना है। अब बात करते हैं हिमालय इफ केयर सिरप की। यह सिरप भी हिमालय इफ केयर द्वारा लॉन्च होती है, और इसकी जो प्राइस है वो 175 रुपीज इसकी प्राइस है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी लिखा हुआ है। इसे कैसे लेना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे भी आपको दिन में 2 से 3 चम्मच पानी के साथ लेना है, और इसे भी आपको दिन में 2 बार लेना है। साथ ही इस सिरप को आपको 3 मंथ तक लेना है। अब मैं बता दूं आपको, इस सिरप को टीनेजर्स गर्ल्स ले सकती हैं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हिमालय इफ केयर सिरप टीनेजर्स गर्ल्स के लिए है, जिनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं और जिनके स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। टीनेजर्स गर्ल्स हैं जो हाई डोज नहीं ले सकती हैं, उनके लिए हिमालय इफ केयर सिरप काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इस सिरप के साथ टैबलेट नहीं आती है। मोस्टली गर्ल्स होती हैं जो टैबलेट लेना पसंद नहीं करती हैं, उनको टैबलेट अच्छी नहीं लगती है, और सच्ची सहेली के अंदर टैबलेट्स आती हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस टाइप की टैबलेट्स आती हैं जिन्हें लेना कंपलसरी होता है। अगर आप ये टैबलेट्स नहीं लेंगी तो ये आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क नहीं करेगी। और हिमालय इफ केयर सिरप के साथ टैबलेट्स नहीं आती हैं, तो ये टीनेजर्स गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। अगर आपके पीरियड्स के दौरान काफ़ी क्लॉट्स बनते हैं, पीरियड रुक रुक के आते हैं, कभी खून ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन हो गया है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव रहने लग गया है, आप जरा सा काम करती हैं थक जाती हैं, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, और आपकी एज अभी 13-14 है, तो आप ये हिमालय इफ केयर सिरप ले सकती हैं। इसे कैसे लेते हैं उसका तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। साथ ही गाइस, इन सिरप को लेते टाइम आपको कुछ परहेज करने होंगे जब भी इन सिरप के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। तो जब भी आप इन सिरप को लें तो थोड़ा सा परहेज करें। आपको तीखे स्पाइसी मसाले नहीं खाने हैं, आपको दूध नहीं लेना है, साथ ही आपको दही और अचार भी नहीं खाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। अगर आप ये खाएंगे तो आपकी बॉडी में ये अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। साथ ही इनमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, तो जब आप इन सिरप को लेंगी तो हो सकता है 1, 2 या 3 दिन आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, या हल्का फुल्का सिर दर्द या जी मछली करना भी हो सकता है, बट ये जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर आप इन्हें लें तो हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके लें, जिससे क्या है इनकी जो मात्रा है वो बराबर हो जाएगी, ये प्योर आपके अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप इनको डायरेक्ट लेंगी तो आपको जी मछली की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जब भी आप इन्हें लें तो हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके लें, तब जाकर ही आपको इन सिरप के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और सच्ची सहेली सिरप महिलाओं की सिरप है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स 20 से ऊपर की अगर आपकी एज है, तो आप सच्ची सहेली सिरप ले सकती हैं। आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, पीरियड्स काफ़ी लंबे टाइम से रुके हुए हैं, 6 मंथ हो गए हैं, आपके पीरियड्स नहीं आए, PCOD की प्रॉब्लम है, PCOS की प्रॉब्लम है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सभी इस सिरप को लेने के बाद ठीक हो जाएगी। आपके
बच्चेदानी में छेद है, बच्चेदानी में सूजन आ रही है जिसकी वजह से आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, आपका बच्चा मिसकैरिज हो गया है, अब आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो गए हैं, पीरियड्स पहले रेगुलर थे बट मैरिज के बाद इनरेगुलर हो गए, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स वुमेन्स में देखने को मिलती है। अगर आपकी यही सब प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप इस अच्छी सहली सिरप को ले सकती हैं। यह सिरप पीरियड्स को तो रेगुलर करेगी ही, साथ ही आपके बच्चे कंसीव करने में भी काफी हेल्प करेगी, बट साथ में आपको टैबलेट्स लेना जरूरी है। इस सिरप को भी आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू लेना है। जब तक आप इन्हें कंटिन्यू लेंगी तभी जाकर इनके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यूं नहीं आज आपने लिया कल आपने छोड़ दिया परसों आप ले रही है। अगर आप ऐसा करेंगी तो ये आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क नहीं करेंगी, फिर आप मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और बहुत सी वुमेन्स को इनसे फायदा भी हुआ है, उनसे पूछिए, उनके कमेंट्स देखिए आप। और इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।